नहीं था। हम बताई ना कोई केतनो गाई, ना तो कोई स्वर्गीय रामदेव गुरु है, ना तो कोई स्वर्गीय बुल्लू गुरु है। जवन कलाकार चाहे हम हो कि चाहे कोई हो, स्वर्गीय रामदेव गुरु स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का नाम पे यहाँ से नेपाल तक के बॉर्डर पर लेके का नेपाल तक और हर हिंदुस्तान के कोने में जहां तक भोजपुरी भाषा जानी जाती है, बिरहा जाना जाता है, जहां तक नाम है स्वर्गीय बुल्लू गुरु गुरु स्वर्गीय रामदेव गुरु के नाम पर के तना जाने कदाल रोटी चले गए। ये सत्य बात है, लेकिन हम बतौली हम ऊ ना हो जाए, वही परिवार का छोटा मोटा हम अहनो अंश है। कहना है कैसे ना सुना था ना देखा बतावा हमारे का मेहनत कर कुल डांड हो खासी का जान हालो चला बा अब ना सुना था इधर सुना था ना आप लोग के चल कि अरे मऊ जिला के अंदर ना
जगधारी यादव के तो ये पुत्र सैलानी राम कुंवर और राम सूरत को सारी दुनिया से कहानी का शुरुआत हो गई। मऊ जिला के अंतर्गत कोपागंज थाना के बगल में फजुल्लाहपुर गांव रहा। फजुल्लाहपुर के रहने वाले जगधारी यादव थे। पिता जगधारी यादव के दुई बेटा, बड़ा बेटा का नाम राम सूरत, छोटा बेटा का नाम राम कुंवर है। माई बड़का बेटवा के पहला बेटा के दाई आंख समझती, दूसरा बेटा के बाई आंख मानती हो। लेकिन हाई देखा सीटी ना दे जन झनझनात घनघनात पूरा भैया देता जाए के बना था जब से देखी जाए गौर करेंगे बाबू एक उलन बनाओ तो तू ध्यान दे। कहल गई कि एक माई के दुई बेटा, एक के दाई आंख दूसरी के बाई आंख मानत रहे। अगर वो बेटवा के कुछ हो जाए तो माई के ऊपर का बीती। बड़ा बेटा राम सूरत पहले से फौज में भर्ती था, दूसरा बेटा राम कुंवर अभी पढ़ाई कर रहा है। धीरे धीरे समय बीते लगल, छुट्टी लेकर के बड़ा बेटा सीमा पर से राम सूरत घर पे आया है। एक दिन घरवा के पूरा सदस्य बैठल हुए, बिरहा में आप लोग के वीर रस और करुण रस के दोनों समावेश कहना हो। पूछे लगलन कि भैया ए लाल तू कुछ का करत हुआ ये समय, छोटका भैया कलश की भैया का करती, पढ़ाई पूरा हो गई लव खत्म हो गई, ऐसे ही चुपचाप घर ही पड़ल है। ए परम श्रद्धेय 101 रुपए का पुरस्कार आप उपेंद्र यादव के आप जीजा जी हैं, पिंटू यादव आप भैया के नमस्कार पढ़ाओ। परम श्रद्धेय 101 रुपए का पुरस्कार दे करके आपने हौसला बढ़ाने का काम किया। ग्राम सभा तोफापुर से श्री सुखू राम पूर्व प्रधान आप केशव यादव चाचा जी के सम्मान में आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भैया लोग के नमस्कार प्रणाम। लेकिन कहना है ए 101 रुपए का पुरस्कार फिर पुनः दोबारा आप श्री पिंटू यादव बड़े भैया केशव चाचा जी के फिर दोबारा इस सम्मान में चलो मैं कोटि कोटि नमन से भैया लोग को नमस्कार प्रणाम है। लेकिन कहना है कहे लगलन कि भैया ऐसे ही खाली पड़ल ही कुछ करी लेना। कलन की अरे पगला तू कहत हुए कुछ करी लेना, छोटका भाई बड़का भाई शैतनी बतिया के कलम, बड़का भाई कलन ना रे मुन्ना ना हमारे जैसे ख्वाब मत देख, फौजी जवान बने के भैल कम तर्ज लग गई है। कैसे दुल्ही का दुल्हा परदेश चल गई, कुछ दिन बीतल हो जब पुरवैया हवा बहुत एकदम बदन में दर्द होते है सतावत है। सखी सहेली देखली कली कारे कैसन बनी उदास चेहरा कह के बैठल है, कैसन लरुआइल है तोरे ओरी ठीक ना बड़का, बहरा में गयल हूँ चिट्ठी चौपाती भेजल की ना फोन उन करे लकी ना कल से सखी वो ना सखी सहेली कली की जो
आसमान जान जाए कि तोर जाए के कहीं कोई में या झुरा गया। इतना बात के सुनलस कलश आय हो दादा, अरे राम जी हो राम जी, भरल जवानी लेके जाई कहा कहा दिया कैसे। कि मन कह रे हई मान करे का करे, मन पर सिलावट पे लोड़ हसे कुचत ही जवानी रजऊ, बाबूजी के दुइये बेटा हम तो फौज में जरूर सिलेक्ट हो गई ली बाबा, जाई के देश कर रक्षा करत थी, लेकिन तू ऐसन गलती मत करी है। बाबू जी का सपना रहल कि डॉक्टर या इंजीनियर बनाई पढ़ाई लिखाई, तो बाबू के सपना के पूरा करी है। अब ही बनल ना न बन पाई लगत है, रात भर चोर पकड़ाबे न करी हो का करबा, नसीबवा हमन का खराब है। हां आ खराब रहल ना, अब जान से खराब करे आदमी। ए 151 रुपए का पुरस्कार श्री रमाकांत यादव आप भैया की ओर से। चलो मैं कोटि कोटि नमन सब भैया लोग के नमस्कार प्रणाम बा। इतना बतिया के सुनलन बाबू, इधर छुट्टी समाप्त भइल, चल गई ला सीमा पर बड़का भाई राम सूरत। समय बीते लागल, इधर राम कुंवर के जीव ना मानल हो, पहुंच गई ला सीमा पर एक दिन। आ जब सीमा पे तैनात है बॉर्डर पे जवान, जाय के पैरवा के पकड़त हुए कलन भैया आशीर्वाद देत हुए बड़का भाई राम सूरत। छोटका भाई के कलम उन्ना कैसे आवे के भाई, कौनो बात है का
नया कौनो समाचार लेके आइल बड़ा का? कल ना भैया ना ऐसा कौनो बात ना हो, हम आयल ही देखा यदि जाइब ना तोहरे नियर सीमा में सीमा पर रह के लड़ाई करो। बाह कहल जाला कि कोई के दिल का बात मालिक सुन भी ले लो हो। खुली भर्ती हो रही थी उसी में सेलेक्ट हुआ है जवान। आप परम सत्यादरणी वंदनी 501 रुपए का सम्मान देकर के आपने हौसला बढ़ाया। श्री सुरेश यादव ग्राम सभा तोफापुर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन सभैया लोग के नमस्कार प्रणाम बा। लेकिन कहना है इधर छोटका भैया कलश ना भैया मनबे ना कर, खुली भर्ती में सिलेक्ट हो गया। आज जब खुली भर्ती में सिलेक्ट भइल बाबू ओ समय ट्रेनिंग पर 2 महीना गयल हो, ट्रेनिंग दे के छुट्टी ले के घरमा आइल हुए। कहल जाला कि जब घरमा छुट्टी ले के अलन हो दुल्हनिया दुर्गावती छोटकी दुल्हन राम कुंवर के थाली में आरती लेके उतार थे बाबा। सैया जी ठीक ठाक रली है ना, तनी से हल्ला ना कम हो, कम हो हल्ला ज्यादा मत करीजिए। आप लोग गौर करेंगे कलश की आप बढ़िया से रली है ना, कलो की हम पगली तब हम क्या का हुई। अरे गैली काजी कितना तंकिन के अभी तो के पता ना हो। धीरे धीरे 5 रोज का दिन बीतल हो, कहल जाला कि घरवा से बहरा सबके घरे का मेहरारू बिटिया बहिन निकले ली। कौनो भी गांव में अगर 20 आदमी आपके तरफ है तो 50 आदमी मेरे भी तरफ है। विपक्षी और पक्ष के लोग दोनों लोग रहते हैं। पुलिया पर गौवा के बहरा बैठ के बतियावत हुए उतना देरी भवे सना मेरा लय सिटियो लगल दे। इधर चौना समय पतिया सुन ले है तम तमायल चेहरा लेके आई ले भाईल का अपने माटी का गीत लगल है कैसे वो है गीत बा। कौनो महतारी ना सोचे ली कि अपने बिटिया की अपने नजर से वो झलके दे, लेकिन हमारे इस समाज के रीत कुरीत रीति रिवाज के अनुसार कहल जाला बाबू की बिटिया या बछिया, बछिया के जौने खूंटा में बांध देवा चुपचाप पड़ रही है। बिटिया के जहां जकरे साथे लगा देवा शादी विवाह कर देवा, माई बाबू का सम्मान बचाई की वही जगह रह जी। कहना हो कैसे कि अरे माई कहली कि अरे माई कहली बेटी नियरे पिया बे हो, माई कहली बेटी नियरे पिया बे हो, बाबू कहले तू देसी हो, माई कहली दुल्हनिया दुर्गावती का कहला बोली तू बोली बोले कौआ के लोगावा हो, बोली तू बोली बोले कौआ के लोगावा हो, सुनली तू रंगावती हमसे बर्दाश्त ना हो तो का कहलस कैसे लागल कारे चहवई में, लागल कारे चहवई में कोई समन बोलिया हो, लागल कारे चहवई में कोई समन बोलिया हो, we
नकुला पर ले पानी सर पर चढ़े लगल कहले राम कुंवर की अरे पगली अब ही तो तू ठीक है ठाक रली अब ही घरवा से बाहर आ गई ओहर से अली तब से तू कौन बात हो गई इतना गुस्सा में है इतना बतिया के सुलस कलस की आप नहीं जानते हैं। गांव घर के लोग कहत हुआ कि रामकुमारा कहीं भगोड़ तना न हो पीठ दिखाई कितना नयाल हो झूठे के मैं बाप फुलावे ला कहला इनके मरली उनके मरली इनके पछरली इतना आतंकिन के ढेर गईली कहीं कुछ ना हो उधर सीमा पर लड़ाई लगल है घरे आए के मटर मस्ती कैले हो आपको नहीं पता है अरे जरा सी लाज है आपके अंदर शर्म है जरा सा तो मेरे सिंदूर के लाज को बचाना माँ के दूध के कीमत को अदा करना है आपको इतना बतिया के बाबू डांट के कहत थी तर्ज लगिल कैसे भैया को नमस्कार पड़ा ए आप परम श्रद्धे बहुत शानदार पुरस्कार उपेंद्र भैया की आप जीजा जी की ओर से श्री पिंटू यादव जी की ओर से 201 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ चलो फिर कोटि कोटि नमन सब भैया लोग के नमस्कार प्रणाम खैर हम कहल तो ना चाहिए ना कबो कहीं लेकिन जीजा जी बाड़ा तो चीन चीन के हिता नाथ के ना दिया है वहू रिश्तेदार है कहना है कैसे कि अरे पहली दूर गावती सैया अरे पहली दूर गावती सैया हर विषय में रह रहे के जब चढ़ा चढ़ा दे
गौर करेंगे कलश की जय सैया जी। जल्दी से वर्दी पेटी कस करके तैयार हो जाइए सीमा के लिए। इतना बतिया कि सुन ले बाबू मर्दे के पतिया लगी तो गई लो। चट दे वर्दी पेटी कस करके तैयार पहन करके हो गए। सबको गले लगाते हुए गांव घर के लोगों को पहुंचल हुआ माई के पास हो। आज जब माई के पास पहुंचल तो भैर का कहना हो स्पर्श कैले हुए। माई आशीर्वाद देहलिन जाओ बेटा विजय श्री होकर के आना। गले से लगा लेलिन बेटा समान आशीर्वाद लेकर के चला है अपने बॉर्डर पे सीमा के तरफ आगे बढ़ रहा है। आज जब पहुंचल है बाबू बॉर्डर पर हो साथिन के टोली में सबको गले लगाते हुए हाल चाल करते हुए तब तक से कहना पड़ा। जवान मिल करके एक संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? बिरहा शैली स्वभाव में कि अरे याद करब माई के गोदिया कि अरे बोल राम आजाद करब माई के गोदिया चिंता पाद वतन के झंडा रही आबाद। अरे आबाद बहुत क्या बात है। लड़का ना हाँ तो काय पीटा था का कर दे आई हाँ ओकर कौन पीटो कहे के कम पीटी तो हम पैसा न दे। हाँ तो जिंदगी भर मोले चाम पीटी। अच्छा तू जी चाम पीटे ला। हाँ पीटो आगे तो खावा और तो फिर आगे और मलपट लाल हो जाए पागल कहीं कहा जाइबा कहा जाइबा कहा बढ़ी रही सकल है आगे। गौर करेंगे संकल्प लेता है आजाद करब माई के गोदिया चिंता पाद वतन के झंडा रही आवाज आजाद करब माई के गोदिया इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए हाथ में हाथ मिला करके निकलल हुए जवान। उसी समय पाकी पापी पाकिस्तान के कमीने गद्दार चैलेंज कर दिए कोई है हिंदुस्तान के जवानों को चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। अजब बतिया सुन ले हूँ हमारे देश का जवान हो सिपाही मानल ना हो करे जवा में एकदम तीर जैसन बतिया लगल है चलल हुए दोनों तरफ से जंग जारी भइल है। आ जब जंग जारी भइल है तो कहना कहना सुना था वो तो हमहू के ना सुना था
जब हम गाउती तो एकदम कुछ हमरे सुनाइते है ना। हां अब ऐसे तेज हो गेल बेसवा। अब मत्ते कहा जैसन हम सन गाय के खत्म कर चल। रामा रामा की अरे मोरे रामा सम्मान में चरणों में कोटि कोटि नमन। सभैया लोग को एक स्वर में नमस्कार प्रणाम है। माता बहन लोग के भी हमारा नमस्कार प्रणाम है। कहना बा नहीं अली जना लेकिन अब लस्टवा में शायद आए के परिचय तो बताई दी है जा। कहना हो प्रमाण मिला बाबू कि इधर जवान जब ढेर कैले हुआ 12 पाकिस्तानी के तर 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 पसीना छूटा था नीच गोरे गद्दार कमीने कदम के पीछे हटावे लगल कहल की अब न जान बची। इधर साथियन के टोली लेके जवान राम कुंवर आया है बॉर्डर पे सीमा पे आया है। आज अब आईल हुए हंसी खुशी से सहनाई बजत खुशहाली मनावत हुए कि अब जोन हमारे कमनसा रहल पूरा कह दिली जा। उसी बीच में पाकिस्तानी साले कमीने माने नहीं धावा बोल ही दिए हैं गोलियों की बौछार करने लगे धर 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 गोलियां चलने लगी। सब कुछ छोड़ के आगे आगे राम कुंवर जवान पीछे पीछे साथियों की टोली है चले हैं। बाबू लड़ाई छिड़ गई आज जब लड़ाई छिड़ा ला बाबू फिर 5 पाकिस्तानी मारल गई लो। आज जब 5 पाकिस्तानी मारल गए हुए सोच गई ला सब की अब कुछ हम लोग के करे की पड़ी। झरोखे के आर से देख रहा है गोली चला ही देता है। आज जब गोलियां चलौलस बाबू आई की गोलियां हो राम कुंवर जवान
के सिनेमा के बेधक पार कईली। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जमी पे जवान गिर पड़ा है, साथी लेकर के हॉस्पिटल की ओर बढ़े, हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाए तब तक कि जवान दम को तोड़ देता है। जब दम के राम कुंवर तोड़लन बाबू, इधर उनके उस शहीद के पार्थिव शरीर को तिरंगा झंडा में लपेट के बाबू ताबूत में रख के लसिया के लेके यही बनारस बाबतपुर एयरपोर्ट पर आइल हुए जा। आ जब अइलन जब आल्हा से भावल ए परम श्रद्धे 201 रुपये का आशीर्वाद श्री गौरी यादव जी के पुत्र आप श्री मटरू यादव जी की ओर से ग्राम सभा तोफापुर के धरती से चरणों में कोटि कोटि नमन। सभैया लोग को एक स्वर में था उचित नमस्कार प्रणाम है। कहना है कैसे शपद सिमा पे दे पहले का परम श्रद्धे आदरणीय बंदनी ऐसा काम न करब महाराज तो के काहे के कोई कही और लोग के तो कोई ना कहत। लंगोटिया यार होगा ए परम आदरणीय सम्मानित पुरस्कार आप श्री गंगाराम यादव ग्राम सभा तोफापुर से बाबूजी की ओर से हौसला बढ़ाने का काम किए, 1001 रुपया देकर के सम्मान किए। चलो मैं कोटि कोटि नमन सभैया लोग को नमस्कार प्रणाम है। परम श्रद्धेयादरणी 101 रुपया दे करके सम्मान किए आप तोफापुर से गोरखा चंदन पहलवान आप परम आदरणी कोटि कोटि नमन 101 रुपये का पुरस्कार आप श्री राम बलि पहलवान जी की ओर से तोफापुर की धरती से। चलो मैं कोटि कोटि वंदन भैया दाई दाई ऐसा मत करे। चलो कि अरबात है मिसाल ये कि अरे आबाद उल जमानवा तदेश बदेश मामा कि अरे देश भदेशी मामा पे दे हले जा ऐसा राम को है कहे भी ना बताओ तो हम जान के बोला था कहे परेशान हो तू यार हमेशा जाना लेवा देवा के बात करे ले एक दिन कह देने कि कुछ तो समझ के काम कर ली। चला ऐसे राम कुंवर शहीद हो गई ऐसे राम कुंवर शहीद हो गई
जगदारी दादा रोमा लसिया ते सबक कर जा चुकावे ले जवा भैया तोहके तो खूब आनंद है आनंद हो इतना मस्ती में बैठल हुआ तिलेई कम हो तो तिलेऊ कम हो तो तिलेऊ कम हो तो जीव जियाए दे हलन एकदम गौर करेंगे बाबू आखिरकार बतावल गई बाबतपुर एयरपोर्ट पे लेकर के जिस समय शहीद के शव को आए हैं लोग फजुल्लापुर गांव में एकटक निगाह लगौले हुए बाबू कि अब यही है टीवी टेलीविजन मोबाइल द्वारा पता चला है सब लोग एक टक निगाह लगाए हैं कि अब लोग आएंगे लेके पहुंचल हुए बाबू जब बाबतपुर से फजुल्लापुर गांव में हम उस समय अखिया झरझर झरझर लूर बरसत धरधर धरधर घरवा से बाहर आइलन पिता जगधारी यादव कहलन जवान उतरल हुए गाड़ी में से कलन की बेटा अरे भैया हमार बचवा कहा हुए एक बार हमारे बचवन के मुंह बचवा के दिखा देता बड़ी बेसब्री से हम इंतजार करत थी कब से अपने लाल के देखल चाहत थी कलन की बाबूजी ऐ पिताजी हम लोग लेकर के आए हैं ताबूत गाड़ी में से उतारा गया आ जब ताबूत उतारल गल बाबू गाड़ी में से ताबूत के खोलल गल हो जब खोलल गल निगाह पड़ल है परम श्रद्धे आदरणी बहुत सम्मानित पुरस्कार आप श्री करियवा चंद्र पहलवान तोहफापुर से आप भैया के नमस्कार प्रणाम सब भैया लोग के प्रेम को लगी है अगर जेकर नाम हो हमारे बबूरा मत मानव हम ना अपने से कहते गौर करेंगे बाबू छतिया फटके दुई ताल हो गई हो कलन आई हो लाल आय हो लाल ई का कैला लाल ई का भई लाल रोवत हुए बाबू गांव घर के लोग देखते हैं फिर खचा खच लगल है बाबू सब लोग वहां पर आइल हुए लसिया के उस शहीद के को श्रद्धांजलि दी गई उसके बाद में दाह संस्कार करने के लिए लोग लेकर के श्मशान घाट तक पहुंचल हुए आ जब श्मशान घाट तक पहुंचल हुए बाबू पिता जगधारी यादव सब लोग मिल के चीता सजा दिलस हो आ जब चीता लगल हो मुखग्नि भी दे दिए लाश धू धू करके राम कुंवर शहीद जल थे वही बीच में पिता जगधारी यादव जेबवा में मोबाइल रखले रहलन मोबाइल के घंटी बाजे लगल फोन निकाले हैं फोन रिसीव किए कनवा तरसटाए कि कल हेलो आप कौन बोल रहे हैं उधर से आवाज आती है कि मैं सीमा से जवान बोल रहा हूं आपका बेटा राम सूरत है कहलन कि हाँ हमारे बेटा राम सूरत हुए हमार बड़ बचवा राम सूरत हुए कहा भाई हमरी लाल की कौनो बात भाई ने कहा ठीक ठाक पढ़ ना उधर से आवाज आती है कि आपका बेटा राम कुंवर इस देश के प्रति लड़ते लड़ते देश को काम आ गया इतना बतिया के सुल्लन बाबू आय हो लाल कहके हथवा से मोबाइल गिर गई है मूर्छित हो गए जमीन पे गिर पड़े लोग पानी का छिटकाव करके होश में लाते हैं बाबू कलन बाह बाहर मालिक एक कमन दिन देखौला कमन दिन देखौला भैया तन से शांति बना ले जा बस दो तीन मिनट और कमन दिन देखौला आज एक बेटा ना बल्कि एक बाप के गोदी में दुइये बेटा दोनों बेटवा लड़द लड़द ये देश के काम आ गई लन हो शहीद हो गई लन ओ बूढ़ पिता के ऊपर का बीतत होगी ए परम श्रद्धेय आदरणीय वंदनी श्री पिंटू यादव जी के आप चाचा श्री चंदर पहलवान जी की ओर से चंदन अच्छा चंदर बू है बोलिए
चंदर पहलवान हम जाना थी, एक बार गोरखा एक बार अच्छा अच्छा तोफापुर के धरती से 201 रुपए का पुरस्कार आप पिंटू यादव जी के आप चाचा जी श्री करियावा चंदर पहलवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन सब भैया लोग के नमस्कार प्रणाम बा। कहना हो कहल जाला बाबू बतौली है कि एक बेटा के तलसिया जल ना पौलस हो, दूसरा बेटा भी शहीद हो गई। वो बूढ़ बाप के ऊपर का बीतत होई, एक उपहात कहलन अखिया से झरझर झरझर लोर बरसत कलन बेटा ए बेटा अरे जेके देला मालिकों के छप्पर फार के देला हो आज जैसे ले ले ओकर दुनिया में उजाड़ दिलन। परम श्रद्धे आदरणी वंदनी 501 रुपया दे करके सम्मान किए श्री करियावा चंदर पहलवान के आप बड़े भाई श्री स्वर्गीय रामजीत यादव, आप सुपुत्र पिंटू यादव बड़े भैया के पिताजी थे। अच्छा करियावा चंदर पहलवान, चंदर पहलवान के आप बड़का भैया की ओर से उनके सम्मान में आ भैया के नमस्कार प्रणाम सब भैया लोग के प्रेम पर लगी बा। लेकिन कहना है प्रमाण मिलल बाबू रोवत हुआ रो रो के बुरा हाल है, दिल से आवाज आती है एक बात कहलन का कहलन कैसे कि अरे कबले ये भैया ए बेटा कब ले ढोवई बा लाल कब ले ढोवई बा कि अरे कि अरे कब ले ढोवई बा हो लाल नवा कि अरे कब ले ढोवई बा हो लाल नवा कन्हैया ₹101 का पुरस्कार आप श्री मुरारी यादव और बाबूजी को नमस्कार पढ़ा। यह जी कहत हुआ कि बेटा ए बूढ़ पिता के हड्डी में जान ना रहेगी लहलाल जान ना बा ई कान थक गई है अब ई का करत हुआ लाली का कैला लाल का कैला कहत हुआ का आई हो कन्हैया आई तो कन्हैया सूझे ना डहरिया कन्हैया पे लखिया आज पर सूझे ना डहरिया कन्हैया पे लखिया ही सोचत थी। कहल जाला बाबू कि कोई भी पिता ये नहीं सोचता है कि मैं अपने जीते जी, बल्कि बेटा जरूर सोचता है कि मैं अपने जीते जी अपने पिता का
जनाजा इसी कंधे पर लेकर के शमशान घाट तक जाऊंगा, लेकिन कोई पिता ये नहीं सोचता है बाबू, नहीं सोचते हैं कि मैं अपने जीते जी एक नहीं बल्कि दो जवान बेटे का लाश इसी कंधे पर लेकर के शमशान घाट तक जाऊंगा। बाप रे मालिक बाप, वो दिन भी देखना पड़ा। यही दुनिया है, यही दुनिया का रीत है, नियति होनी प्रबल है होकर के ही रहेगी। कहना है बूढ़ महतरिया दाह संस्कार कहके आई हूँ जा घरवा बाबू। बूढ़ माई एगो बात कहती, परम श्रद्धे आदरणी 101 रुपए का पुरस्कार या गार्जियन मलिकार महोदय, आप श्री पिंटू भैया के, आप दादाजी के छोटे सुपुत्र श्री मंगला यादव, आप बाबूजी की ओर से पुरस्कार प्रदान हुआ। चरणों में कोटि कोटि नमन, सब भैया लोग की नमस्कार प्रणाम है। लेकिन कहना है का माई कहती एगो बात, दिल से आवाज आई है, का आई है कि अरे माई के आखी गजोती छी नली भला बेटा, अरे हमारो बुढ़ाई आई में कमर तुरत दूसरा के भाई आग समझत रही, आज हमके छोड़ के चल गई ला हमार लाल। आज जो परिवार में कोई गार्जियन के रूप में नहीं है, सब लोगों के सर से गार्जियन बूढ़ माँ बाप के सर से बाबू साथ छोड़ के दोनों बेटवा चल गई लू। बाहरी समय गौर करेंगे, इधर मीडिया प्रभारी पत्रकार महोदय न्यूज चैनल के लोग आते हैं पूछने लगे, अधिकारी आला अफसर सब लोग आए हैं उपस्थित हैं, पूछ रहे हैं बेवा दुल्हन, दुल्हन बल्कि नहीं आज के डेट में है दुर्गावती बाबू, बेवा हो चुकी है, विधवा हो चुकी है। पूछते हैं कि ये दुर्गावती तुम्हारे जेठ और तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ कहना चाहती हो? कहती है कि हाँ साहे कहल चाहती। का कहलस आखिरी कड़ी में भाव कि धन्य हो गई ली तोहरा, कि धन्य हो गई ली तोहरा, मौके पे डीएम एसपी अधिकारी घर पे आए, धन राशि दे करके अरे दुर्गावती को थमाए,
अलस की सह ईसा हमारे गोबा सुनी का कहत है कि हम करब नाही धनवा कयर उगाही सुजुनु कलश की सह है हाय हाय ई रुपया पैसा का होई का होई रुपया पैसा जीवन में बड़ी रुपया पैसा आई जब हमार पति ही ना रहलन शहीद हो गईलन ते रुपया धन दौलत ले की का करब ई सब हाथ को मईल हो आज के रही काल के चल जाई ना रही हमसे पैसा हो हम पैसा से ना है कहते हैं कि ऐ दुर्गावती ले लो कोई सहारा नहीं है जीवन यापन करने के लिए काम आएगा परिवार के लोगों को काम आएगा। कलेश साहेब अगर देवल चाहते तो दो शीर के बदले 50 शीर ला करके दीजिए। हमारे हिंदुस्तान के हमारे देश के जनता की यही पुकार है हमारी यही मनसा है। मेरे पति कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे। गर्व की बात है मेरे पति पीठ दिखा करके नहीं आए हैं बल्कि इस देश के रक्षा के सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके का धूप का गर्मी का जाड़ा का बरसात का ठंड कौनो मौसम रहत रहे एकटक हमारे देश का जवान बाबू सीमा पे निगाह लगाई के आतंकियन से गद्दारन से लड़े बदे हमेशा तैनात रहलन। पैसा लेना चाचा को परम श्रद्ध है आप स्वर्गीय भीमल पहलवान पूर्व प्रधान बाबूजी के आप छोटे सुपुत्र गार्जियन महोदय श्री मंगल यादव आप बाबूजी की ओर से 501 रुपया देकर के सम्मान किए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन सब भैया लोग के नमस्कार प्रणाम बा कहलस की हाँ साहेब हाँ पत्रकार महोदय बोले हैं कि कुछ कहना चाहती हो इस देश के जवानों के ऊपर कुछ जवानों को संदेश देना चाहती हो तुम्हारे दिल में कोई बात है तो कह दो दुर्गावती कहती है क्या कहती है कि होते जो सयान मोरे दुर्गावती कहते हैं कि अरे होते जो सयान मोरे अरे गोदी कह ललन मान अरे उनहु के बनाई देती सीमा का जवाना कि तीन दिन ए दिल में वो तना भारी जज्बात हो कि तीन दिन बाद भले अरे ला सजाईती आई सनुनु तो पाके करव पाटे आई सन घर सिपाही सजना जो बहादुर जो हे बाबू कहती है दुर्गावती कि ये साहेब इहे न जानल चाहती ए देश के जवानन के ए देश के लोगन के हम बतावल चाहती कि उनके बिटिया पहिन के अंदर रोम रोम में ए रोम रोम देश के प्रति कुर्बान है वही जज्बात वही जोश खरोश है आज मालिक गोदी में 2 साल का बेटा देले हूँ कहीं आज के 20 साल का पट्ठा जवान रहत तो ये साहब वोहू के सीमा पर भेज देती सीमा पे जात अजाय के काहे न 3 दिन के बाद वो शहीद हो जा ओकर लसिया घरे आवत वो स्वीकार रहल साहब वो स्वीकार रहल तर 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 तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी बाहर हमारे देश की बहन बेटियां जो कि हमारे युवा नौजवान भा
भाइयों के साथ में बॉर्डर पे जाकर सीमा पे जाकर के तैनात है, कदम से कदम मिला करके चलने का काम कर रही है। नाज है ऐसे बेटियों बहनों पे, कहना है आखिरी कड़ी में कैसे कि गुरु बिहारी गुरुपत्तू जी हुए स्वर्ग के पास।